यूपी में चौथे चरण के बाद अब पांचवें चरण पर सपा की नजर। आज प्रयागराज के करचना से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बुलडोजर बाबा जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, प्रयागराज के लोग भाप निकालने का काम करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। नोटबंदी ने तोड़ी कमर, लॉकडाउन से मजदूरों का जीवन बना नर्क, निजीकरण ने छीना रोजगार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर भड़के टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी। बोले ठेकेदार नहीं चला सकते राजनीतिक पार्टी। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के एप्स और वेबसाइट को किया ब्लॉक। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा सरकार ने दी जेड प्लस की सुरक्षा। खालिस्तान के समर्थकों से बताया जान को खतरा, हरियाणा के रोहतक जेल से 21 दिन की फेरोल पर बाहर है। पेगासस जासूसी मामले में जांच कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। सीजीआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच 23 फरवरी को करेगी सुनवाई। बजरंग दल वर्कर की हत्या के बाद कर्नाटक के शिवमोगा में बिगड़े हालात। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात, लोगों ने गाड़ियों में लगाई आग, कई जगहों पर धारा 144 लागू। हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, ऊना में पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट। आग लगने से 7 लोगों की गई जान, वहीं 12 लोग हुए घायल। उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी बारातियों से भरी गाड़ी, 14 लोगों की गई जान। अंतिम पड़ाव पर कोरोना की तीसरी लहर, बीते 24 घंटों में 13,405 नए कोरोना के मामले आए सामने, वहीं 235 लोगों की कोरोना से गई जान।